पिछले 10 महीने से देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठा है। 650 से ज्यादा किसानों ने या तो अपनी आत्महत्या की है या गोलियों से भून दिए गए हैं। देश की सरकार से उनके एक ही मांग है, ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए जो किसानों के मौत का फरमान है, किसानों के डेथ वारंट पे हस्ताक्षर है। उन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन मोदी जी की सरकार किसानों को आतंकवादी मानती है, खालिस्तानी मानती है, मवाली मानती है, गुंडा मानती है, उनके सामने कटीले तार लगाती है, उनको दुश्मन देश का नागरिक समझती है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक अजय मिश्रा टेनी नाम के मंत्री का बयान आया था कि किसानों को ठीक कर दूंगा 2 मिनट के अंदर, और आज लखीमपुर में जो सूचना मिल रही है कि उनके बेटे ने आंदोलनकारी किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद के 3 किसानों को मार दिया। यह घटना अंग्रेजों वाले हिंदुस्तान की नहीं है, आजादी के 75 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान की है, आदित्यनाथ जी के हिंदुस्तान की है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 3 किसानों को, आंदोलनकारी किसानों को, केंद्रीय मंत्री का बेटा अपनी गाड़ियों से रौंद के मार देता है। उसकी निगाह में किसान की कीमत जानवर से ज्यादा नहीं है, उसकी निगाह में किसान की कीमत, अन्नदाता की कीमत किसी भुंगे से ज्यादा नहीं है। मैं अपील करता हूं, जरा सी भी शर्म हो तो मोदी जी अब कम से कम ये तीनों काला कानून वापस ले लीजिए और इन हत्यारों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा इनके खिलाफ होनी चाहिए। सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जो 3 किसान मारे गए हैं और जो किसान घायल हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार की मदद की जाए। साडा हर एक प्रोग्राम देखने ते साडे नाल जुड़न लई सब्सक्राइब करो बनेरा टीवी अते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन ते क्लिक करो।